नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे इंग्लिश विंग्लिश का अभाव रिजल्ट पर प्रभाव। उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट स्कूलों के खराब प्रदर्शन ने शिक्षा विभाग की पोल खोलकर रख दी है। परीक्षा परिणाम के तहत हाई स्कूल के 8,499 छात्रों में से केवल 5,141 बच्चे ही पास हुए, जबकि इंटरमीडिएट के कुल 12,534 छात्रों में से 6,454 छात्र ही पास हुए हैं। प्रदेश में सबसे बुरा प्रदर्शन हरिद्वार जिले का रहा। बता दें कि सरकार ने बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से राज्य में पुराने स्कूलों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय का नाम देकर सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध किया गया। राज्य में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या 189 है, जिसमें से 186 को सीबीएसई की मान्यता मिल चुकी है। सरकार ने इन स्कूलों के शिक्षकों से इस संबंध में जवाब तलब किया है। वहीं विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार जानबूझकर राज्य के नौनिहालों का भविष्य खराब करने का काम कर रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट स्कूलों के खराब प्रदर्शन ने शिक्षा विभाग की पोल खोल कर रख दी है। राज्य के अटल उत्कृष्ट स्कूलों के आधे बच्चे परीक्षा में फेल हो गए हैं। परीक्षा परिणाम के तहत हाई स्कूल के 8,499 छात्रों में से केवल 5,141 बच्चे ही पास हुए, जबकि इंटरमीडिएट के कुल 12,534 छात्रों में से 6,554 छात्र ही पास हो पाए। प्रदेश में सबसे बुरा प्रदर्शन हरिद्वार जिले का रहा। बता दें कि सरकार ने बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से राज्य में पुराने स्कूलों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय का नाम देकर सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध किया था। वही राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों में 100% शिक्षकों की तैनाती की जाए, जिससे आने वाले सालों में बेहतर परीक्षा परिणाम मिले। साथ ही मंत्री ने खराब प्रदर्शन के पीछे अंग्रेजी को भी एक बड़ी वजह बताया है। अटल स्कूल बनाए गए, उन स्कूलों का रिजल्ट भी आज हमने समीक्षा की और मुझे लगता है कि पहली बार बच्चे जो है चूंकि अंग्रेजी माध्यम हो गए हैं और हमारे जो 60% बच्चे पास हुए उनको हमने शुभकामनाएं दी हैं। 35% बच्चे ऐसे जो एक विषय में फेल हुए, तो उनको जो है इस बार कंपार्टमेंट देने की जो है अनुमति भारत सरकार ने भी दी है, वो सभी जगह से दी रखते हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब बच्चों को एक आदत पड़ जाएगी तो उनको पेपर कैसे देने हैं, क्या क्या वहाँ पे हम वहाँ 100% टीचर देने का भी एक निर्णय हुआ है कि वहाँ टीचर देने की। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वहां का रिजल्ट भी अच्छा। राज्य में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या 189 है, जिसमें से 186 को सीबीएसई की मान्यता मिल चुकी है। सरकार ने स्कूलों के शिक्षकों से इस संबंध में जवाब तलब किया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर राज्य के नौनिहालों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार ने सुर्खियां बटोरने के लिए अटल उत्कृष्ट विद्यालय बना दिए, जिसमें कोई सुविधा नहीं दी गई है। अटल आदर्श विद्यालय सरकार ने बनाए हैं, वो सरकार की शिक्षा की गुणवत्ता की पोल खोल रहे हैं, सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। सरकार ने बड़ा ढोल पिटा था, हम अटल आदर्श उत्कृष्ट विद्यालय खोल रहे हैं, हम ये पढ़ाई करेंगे, हम सीबीएसई पैटर्न लाएंगे। आपने देखा कि 30% बच्चे ही पास नहीं हो पाए हैं। आप पे व्यवस्था नहीं है, पढ़ाने को स्टाफ नहीं है, बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं है, टाट पट्टी नहीं है। आप सपने बड़े बड़े देख रहे हैं, पहले तैयारी कर लीजिए। और उसकी पोल खोल दी है अभी के रिजल्ट ने। और सरकार का काम केवल केवल करोड़ों रुपए विज्ञापन में बर्बाद करना है और कोई काम नहीं है। सरकार अगर संवेदनशील होती तो पहले उसकी तैयारी करती, विद्यालयों में स्टाफ की व्यवस्था करती, लैब की व्यवस्था करती, टेक्नीशियनों की व्यवस्था करती, तब उसमें कुछ शिक्षा में सुधार हो सकता है। उत्तराखंड में सीबीएसई बोर्ड के जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं उनका रिजल्ट काफ़ी कम रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा है कि जो शिक्षक इन उत्कृष्ट विद्यालयों में हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई,
ज़्यादा बेहतर होता कि इन टीचर्स को पहले ट्रेनिंग दी जाती और उसके बाद स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड किया जाता। लेकिन अपने आप में एक शुरुआत है और अगर अभी भी इन शिक्षकों की ट्रेनिंग गर्मियों में करा दी जाए तो ज़्यादा उम्मीद है कि आने वाले समय में ये रिजल्ट बेहतर होता है, अदरवाइज हर साल ये रिजल्ट खराब होते हैं। कुल मिलाकर अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के आधे से ज्यादा बच्चों का फेल होना बेहद गंभीर विषय है। एक तरफ जहां प्राइवेट स्कूलों के परीक्षा परिणाम 98.99% को छू रहे हैं, तो दूसरी ओर राज्य के अटल विद्यालय इतना बुरा प्रदर्शन कर शिक्षा विभाग के दावों की पोल खोल रहे हैं। उत्तराखंड टेक्स रिपोर्ट। जी हाँ, तो राज्य में 189 स्कूल हैं, जिसमें 186 स्कूल ऐसे हैं जिनको सीबीएसई बोर्ड कर दिया गया है। लेकिन रिजल्ट का जो आंकड़ा है वो हमने आपको बताया रिपोर्ट के जरिए कि कितना खराब प्रदर्शन रहा। उसी जगह पर अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों का जो प्रदर्शन है वो बहुत बेहतर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय है यहां पर ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से बच्चों का रिजल्ट इतना ज्यादा खराब आया है। हालांकि विपक्षी दलों की माने तो विपक्षी दलों का यह साफ कहना है कि सरकार यहां पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हरिद्वार जिले का आपको बता दें कि सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। अगर हम बात करें हाई स्कूल की तो 8,499 छात्रों में से 5,141 बच्चे ही पास हुए, जबकि इंटरमीडिएट में 12,534 छात्र थे और 6,454 छात्र पास हुए हैं, यानी कि 50-50% का रेशियो है ये। अब ऐसे में समझना होगा कि किन कमियों के और किन कारणों की वजह से ये रिजल्ट इतने ज्यादा खराब आए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जिस राज्य की शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर होते हैं वो राज्य उत्तम होता है, लेकिन यहाँ पर तो स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है और शिक्षा के क्या हाल है, ये आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश चमोली जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमा भंडारी जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुपम खत्री जी, वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सोनिया आनंद जी, समाज सेवी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में विपक्षी दल से ही करना चाहूंगी। राजेश चमोली जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं राज्य की ये जो व्यवस्था निकल कर सामने आ रही है, जिस तरीके से ये जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो इस पर प्रतिक्रिया? हेमा जी को शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी जरा उनकी आवाज। मैडम आ रही है अभी, होटल आ रही हूँ अभी आधे घंटे तक। राजेश चमोली जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? बोलो तो है, कुछ आवाज आ रही है हम चारों को। हाँ राजेश जी, आवाज आ रही है आपको? कब तक आ रहा है? नहीं पड़ा। अरे बड़ा नहीं है, बात कर बात कर आ तो जा बात। राजेश जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ राजेश जी सुन पा रहे हैं आप? कब तक आ रहा है? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क करने की हम कोशिश करते हैं यहाँ पर बाकी सबको। आपको बता दें कि 186 स्कूल जो है वो सीबीएसई बोर्ड कर दिए गए हैं, लेकिन ये जो उत्कृष्ट स्कूल बनाए गए इनका जो प्रदर्शन रहा वो काफी खराब रहा। विपक्ष का कहना है कि ये जो प्रदर्शन है ये खराब प्रदर्शन है, साथ ही साथ नौनिहालों के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। राजेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का ये जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है पास और फेल का, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ। इसके अलावा क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए एसी जी, वाकई में बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इस राज्य में सरकार ने 2021-22 में जो उत्तराखंड के जो बोर्ड के 186 विद्यालयों का चयन
मतलब उत्कृष्ट अटल उत्कृष्ट विद्यालय के नाम पे किया गया था और उसमें सीबीएसई का पैटर्न लागू किया। लेकिन चिंता इस बात की है कि जिस प्रकार रिजल्ट का खराब प्रदर्शन रहा और सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी मैं कहूंगा, कमी कहूंगा तो सरकार की रही, क्योंकि सरकार ने प्लानिंग की तरह से जो भी अभी तक जितने भी काम इस राज्य में किए हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उन्होंने जो भी काम किए अनप्लान तरीके से काम किए हैं। लागू कोई चीज ऐसी नहीं की जो धरातल में पहले उसके रिजल्ट उसके मतलब फायदे नुकसानों के बारे में कभी देखा नहीं, बस सिर्फ एक दिखाया कि हमने अटल उत्कृष्ट विद्यालय बना दिए, हमने घोषणा कर दी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी, किस प्रकार से उनके रिजल्ट अच्छे होंगे, इस पे चर्चा ना सरकार ने किसी से की और ना जानने की कोशिश की कि ये हुआ क्या। देखिए खराब परिणाम के बहुत सारे कारण हैं, कारण सबसे बड़ा कारण ये था कि आपने जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, आप लगा लीजिए मैं पहाड़ में पढ़ा हूँ, मैंने बचपन में 6 से इंग्लिश के ABCD शुरू की थी 6 क्लास में आने के बाद। अब आप आकलन कर सकते हैं जो बच्चा 6 से अगर ABCD सीखेगा तो वो 10th और 12th में CBSE का पैटर्न में एकदम, अगर उसके पास इंग्लिश के पैटर्न आ जाएगा मैथ्स में और साइंस में और बायोलॉजी में, तो उसके पास निश्चित है कि टीचरों के भी समझ में नहीं आता है क्योंकि हिंदी पैटर्न है पूरा, टीचर भी अगर हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो किस प्रकार से जो टेक्निकल जो बायोलॉजिकल जो टर्म्स होती है साइंस की या फिजिक्स केमिस्ट्री की उनको समझने में बड़ी दिक्कत आती है। तो सरकार ने अनप्लान तरीके से काम किया और उसका खामियाजा उत्तराखंड के उन 186 विद्यालयों में पढ़ रहे हमारे छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ा और राज्य के उन तमाम अभिभावकों को जिनको वाकई में, क्योंकि देखिए प्रत्येक व्यक्ति चाहता है हमारा बच्चा अच्छा पढ़ा लिखे और अच्छे परसेंटेज के साथ पास हो, लेकिन ये रिजल्ट खराब होना और इसका सबसे बड़ा मैं अगर बार बार मैं कर रहा हूँ अगर इल्जाम लगाऊंगा तो राज्य के शिक्षा मंत्री पे सबसे बड़ा नुकसान राज्य के शिक्षा मंत्री ने किया। आप देखिए राज्य में आपने अनप्लान तरीके से शिक्षा नीति लागू की और ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाए, पहले आपको सिस्टम बनाना चाहिए था, आपको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अगर हर जिले में आप एक एक अगर अटल स्कूल खोलते और उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखते कि हर जिले के हिसाब से 12-13 विद्यालय खुलते और एक साल उनको प्रोजेक्ट के रूप में देखते, मेरा मानना था इस प्रकार से अगर सरकार नीति बनाती। सीबीएसई का पैटर्न आपने सीधे 9वीं से लेके और 9वीं 11वीं में लागू कर दिया, लेकिन आपने देखा नहीं कि जो बच्चे शुरू से हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं वो एकदम अंग्रेजी कैसे एक्सेप्ट करेंगे, टीचर आपने पूरे दिए नहीं। आपने देखा कि जो हिंदी मीडियम में जो टीचर आप विश्वास करके जो हिंदी की क्लास ले रहा था वही बेचारा उसको जो पिछले 15-20 साल से हिंदी पढ़ा रहा था उसको सडनली आपने कहा कि आप इंग्लिश पैटर्न में इस किताब को पढ़ाएंगे, इंग्लिश की किताब है, कैसे पढ़ाएगा आदमी, आप सोचिए। एक प्लानिंग तरीके से सरकार की नाकामिया रही है। सरकार क्या करती है, एक्सपेरिमेंट करती है हर चीज पे, हर प्रोजेक्ट को लाने के लिए, हर नीति को लाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा केंद्र में आपने GST लागू कर दिया, कांग्रेस भी चाहती थी, लेकिन एक अनप्लान तरीके से GST लागू करना, अनप्लान तरीके से किसानों के लिए किसान बिल लाना, ऐसे अनप्लान तरीके से आपने एक शिक्षा नीति में आपने ऐसा मतलब सीधे 11वीं 12वीं वालों को बोला कि आप सीधे इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दो, कैसे करेगा बच्चा। तो जो तमाम चीजें हैं सरकार की नाकामियां थी। और आप देखिए SCG उत्तराखंड के हालात ऐसे हैं कि पूरे देश भर में अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया कि हम पूरे देश भर में 33वें नंबर पे शिक्षा के स्तर पे हम 33वें नंबर पे हैं, मतलब इस राज्य में उत्तराखंड राज्य पूरे देश भर में। तो ये सारी चीजें सरकार को सोच समझ के लागू करनी चाहिए थी और जिससे खामियाजा हमारे उत्तराखंड के बच्चों को पड़ा। और जो रिपोर्टें आ रही है, जैसे रिपोर्टें में अभी एक यू डाइट करके एक एजेंसी है गवर्नमेंट की जिसमें यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस करके है, उसने कहा कि उत्तराखंड के हालात ऐसे हैं इन 4 वर्षों में 450 सरकारी विद्यालय बंद हुए हैं इन 4 सालों के अंदर उत्तराखंड में 450, और लगभग हर सालाना हो क्या क्या रहा है कि 100 विद्यालय प्राइवेट खोले जा रहे हैं, खुल रहे हैं उत्तराखंड में। तो निश्चित रूप से देखिए शिक्षा माफियाओं का होल्ड है। देखिए राजेश जी मैं वापस आऊंगी इस पर, आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जो चीजें देखिए विपक्ष को समझ में आ रही है, मुझे लग रहा है सरकार को भी ये चीजें समझ में आ रही होंगी, उसके बावजूद भी अटल राज्य के शिक्षा मंत्री का बयान सुन लीजिए। शिक्षा मंत्री से ये पूछा गया है कि राज्य के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का रिजल्ट खराब क्यों रहा, उन्होंने कहा कि हमने समीक्षा की है उत्तराखंड के इन अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की और धीरे धीरे बच्चों को जब आदत पड़ जाएगी उसके बाद हम 100% इस विद्यालयों में टीचर भेज देंगे। तो जब बच्चों को आदत पड़ेगी उसके बाद आप टीचर भेजोगे तो क्या फायदा, ये राज्य के शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं और तमाम मीडिया जी ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, ठीक है, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। कमलेश उनियाल जी प्रदेश प्रवक्ता BJP से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, विपक्षी दलों को आराम से सुनिए कमलेश जी, उसके बाद आप पर आपके पास आती हूँ मैं और आपसे जवाब तलब किए जाएंगे। हेमा भंडारी जी क्या कुछ कहना चाहती है इस पूरे प्रकरण पर?
देखिए यशी जी, मैं शुरुआत तो यहाँ से करूंगी, बुरी तो लगेगी, लेकिन क्योंकि तो प्रवक्ता बैठे हैं भाजपा के, कि जिस पार्टी के जो है इनके जो पार्टी के मुखिया के ऊपर, उनकी डिग्री के ऊपर सवाल होता है, तो ऐसी पार्टी से हम शिक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जिस तरह से बंटाधार करके इन्होंने रखा है ना, उत्तराखंड गठन के बाद शिक्षा का जिस तरह से स्तर गिरा है प्रदेश में, देखिए दोनों सरकारें इसकी दोषी हैं, क्योंकि शिक्षा के ऊपर किसी ने काम नहीं किया, कभी शिक्षा के ऊपर सुधार नहीं किया गया। मैं यहाँ पर दिल्ली का जरूर उदाहरण दूंगी कि जहाँ एक तरफ दिल्ली का सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 90% से ज़्यादा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है शिक्षा पे 25% केवल शिक्षा पे खर्च करती है, और इस बजट के कारण ही जो पिछले 8 सालों में जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर था, टीचर ट्रेनिंग थी, टेक्स्ट बुक की क्वालिटी थी, उसमें बहुत बड़ा उन्होंने बदलाव किया है, जिसका परिणाम रहा है कि लाखों बच्चे जो है 3 सालों में प्राइवेट स्कूलों को छोड़ छोड़ कर सरकारी स्कूलों में आए हैं। पूरे देश भर का जो रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड का रहा है वो 87.95% रहा है, जबकि दिल्ली सरकार के स्कूलों का 92% रहा है। ये इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार शिक्षा का स्तर, और ये एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय, इन्होंने बिना सोचे समझे जो है ये एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, जिससे बच्चों का 1 साल बर्बाद हो गया। इन्होंने उसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं कही, कुछ नहीं, सिर्फ लागू कर दिया। धीरे धीरे करके जो भी ये योजनाएं लागू करते हैं उनकी पोल तुरंत के तुरंत ही खुल जा रही है आजकल, तो उस पर देर भी नहीं लग रही है, और पहले ही उसमें इनकी पोल खुल गई। पहले परिणाम इनके इस तरह से आए हैं कि इतने बच्चों का जो इन्होंने 1 साल बर्बाद किया है, और अब इनके जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अब हम अच्छे शिक्षक लेके आएंगे। अरे ये पहले क्यों नहीं सोचा, जब इन्होंने अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाया, उन्हें सीबीएसई से अटैच किया, तो तब इन्होंने क्यों नहीं सोचा कि क्या वो बच्चे जो लगातार इतने सालों से हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, क्या वो एकदम से इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई को कवर कर पाएंगे, या उनको कैसे टीचर्स की ज़रूरत रहती है, कैसे पहले तो वहाँ पर टीचरों की ट्रेनिंग करानी चाहिए थी, अगर ये कर रहे थे तो टीचरों को ट्रेन करना चाहिए था। सारी की सारी जो है ये कमियाँ जो है मैनेजमेंट की हैं, मैनेजमेंट की कमी है, उनकी डेडिकेशन की कमी है, टीचरों का जो बच्चों के ऊपर एक तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है टीचर। हेमा जी, आगे हम इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अनुपम खत्री जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी नमस्कार यशी जी। नमस्कार। देखिए शिक्षा पे सभी लोग अपने अपने व्याख्यान रख रहे हैं, पहले तो मैं एक चीज करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, सीबीएसई बोर्ड हो, बोर्ड से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दो मीडियम चलते हैं, तो सीबीएसई में भी हिंदी में रमेश भाई पढ़ाई होती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि हमारी जो शुरुआती प्रणाली चली आ रही है सरकारी शिक्षा की, जिसे हम सरकारी शिक्षा कहते हैं, उसमें 6th क्लास में आने पे ABCD शुरू हुआ करती थी, और अक्सर ऐसा हिंदी मीडियम वाले स्कूल्स में ज़्यादा होता था। तो सीबीएसई बोर्ड, बोर्ड के हिसाब से देखिए एक बहुत ज़रूरी होता है, शिक्षा अगर अच्छी स्तर की देनी हो, अच्छी क्वालिटी की, तो शोध भी होना चाहिए। शिक्षा विभाग का शोध क्या है? शोध में बिल्कुल शून्य है। विभागीय अधिकारी हों, चाहे विभाग के मंत्री जी साहब खुद हों, इनके पास इतनी फुर्सत ही नहीं। मंत्री जी को तो कलेक्शन से ही फुर्सत नहीं, उत्तराखंड में धन सिंह रावत के लिए तो सभी जानते हैं सबसे बड़े कलेक्शन एजेंट है, वो पैसा निकालने में उनसे बड़ी महारत नहीं किसी की चंदे में, और इसीलिए वो भाजपा में छाए हुए। अब सबसे मेन बात क्या है, देखिए हम शुरू से बोलते आए हैं कि राष्ट्रीय दल प्रदेश का दोहन कर रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली बैठे लोग हैं उन्हें यहाँ की डिमांड से, उनको यहाँ की जरूरतों से कोई सरोकार नहीं। वहाँ से एक इवेंट आता है और यहाँ इवेंट को यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि वहाँ के इन पार्टियों में मंत्री बने बैठे हैं वो इसको करने में जुट जाते हैं अपना जॉब समझ के, लेकिन असल में आंतरिक रूप से हमें कहाँ हमारी कमी है उस जड़ तक को हम खोजने का कभी प्रयास नहीं करते। आपने अटल उत्कृष्ट नाम तो दे दिया, अटल उत्कृष्ट, अब उस नाम को सार्थक भी करने का प्रयास करना चाहिए था कायदे से, पर वो प्रयास तब होता है यशी जी जब ऐसी कोई चाह होती।
यहाँ चाहे सिर्फ मैनिपुलेशंस करने की, कुछ दिनों घमर में बने रहने की, फिर कुछ नया ला देने की। अब पुराना कचरा हो गया। अभी आज हम इस पे डिबेट कर रहे हैं कि परीक्षा बहुत खराब गई है, कल सुबह आएगा नया दिन, एक नई डिबेट का टॉपिक होगा। अब यहाँ पे जनता का भी थोड़ा सा एक कमी है, जनता बहुत जल्दी जल्दी नए मुद्दों को इंगेज करती है, पुराने को भूलती जाती है, जिसका फायदा सत्तासीन पार्टियां उठाती है। जो शिक्षा का स्तर आज यहाँ है उत्तराखंड में, वो निहायत ही बहुत शुद्ध करने वाला है। क्योंकि जब मैं खुद भी इस शिक्षा मामले में हम लोग प्रयास करते हुए शिक्षा निदेशालय में मिले, वहां हमें कुछ अधिकारी अच्छे मिले, लेकिन उनके हाथ में कमांड ही नहीं दे रखी कि वो कुछ अच्छा कर सके, और जो नितकृष्ट अधिकारी हैं, जो बिल्कुल हराम खोर कहना चाहूंगा इस शब्द में मैं, बिल्कुल हराम खाऊ टाइप के हैं, वो पूरी पावर के साथ वहां बैठे हुए हैं, क्योंकि वो चापलूस हैं, उन्होंने अपनी मंत्रियों के साथ सेटिंग अच्छी कर रखी है। तो जब इस तरह का सत्ता, इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी, तो लाजमी है कि उसका नुकसान जनता को ही मिलेगा अल्टीमेटली। और वही नुकसान यहाँ देखने को आया है। एक साल बच्चों का खराब होना कोई आसान बात नहीं होती, उस अभिभावक और उस बच्चे के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है जिसका एक साल बिगड़ गया। लेकिन इसका फर्क इन नेताओं को नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी ये लगातार कई साल हमारे खराब कर चुके हैं। कभी नकल पर्चे जारी हो जाते हैं, कभी लीक हो जाते हैं, कभी कुछ घोटाला हो जाता है, और ऐसे क्रम में नौकरियां और एग्जाम्स हमेशा लटकते आए। तो भारतीय जनता पार्टी में तो खुद ही, आपको याद होगा पिछली बार जब अरविंद पांडे जी थे, रमेश भाई, तब एक पत्रकार ने पूछ लिया था तेरा का पहाड़ा सुनाओ, तो उसकी छाती पे इन्होंने इतनी जोर जोर से हाथ मारे थे जैसे छाती का पिंजर तोड़ देंगे। अरे भाई, शिक्षा मंत्री बने हुए हो, सुना तो पहाड़ा क्या जा रही है? शिक्षा मंत्रालय है तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी शिक्षा तो सबसे उच्च होनी चाहिए। अब हास्यप्रद उस मुख्यमंत्री को देखो जिसने अरविंद पांडे जैसे को शिक्षा मंत्री बना दिया। ऐसी अभी धन सिंह रावत से हम पूछ ले कोई पहाड़ा, धन सिंह रावत बता दे, एक दिन बैठ लेते हैं, पहले धन सिंह रावत का एक एग्जाम ले लेते हैं। अनुपम जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सोशल एक्टिविस्ट सोनिया जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सोनिया जी, इस प्रकरण पर क्या कहना चाहती? पहले तो ये मुझे ये समझना भी पड़ेगा कि ये हिंदी इंग्लिश का मसला है या फिर ये CBSE बोर्ड और UK बोर्ड का मसला है, या फिर ये कुछ शिक्षकों की कमी का मसला है। ये तीनों ही चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि रिजल्ट पर, ये जो प्लानिंग की बात यहाँ पर सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि प्लानिंग करनी चाहिए थी, उसके बाद आगे इसको प्रोसीड करना चाहिए था। अगर ये प्लानिंग करते तो एक इतने बच्चे फेल नहीं होते। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैं ये मानती हूँ, क्योंकि आई वॉज टीचिंग 10 ईयर्स मैंने किया है स्कूल्स में जॉब, और मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस देखा है। मतलब लॉट्स ऑफ अ बिग डिफरेंस मैं इसको कहूंगी कि आपको सबसे पहले गवर्नमेंट को ये सोचने की आवश्यकता है कि जब तक आप बेसिक शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप आगे के लेवल को कभी भी स्ट्रांग नहीं बना सकते। सबसे पहला, अगर इनकेस मेरे हाथ में कोई इस तरह का वो होता एजेंडा, तो सबसे पहले मैं बेसिक शिक्षा में सारी इंग्लिश मीडियम्स की बुक्स लगाती। उसके बाद हम जो बच्चे होते हैं, देखिए वो ग्रोइंग हैं, उनको आप बेसिक से जब तैयारी कराना शुरू करेंगे तो ये कहीं पर भी जाके मात नहीं खा सकते हमारे बच्चे। और जिस तरह से आज जो है 47% रिजल्ट आया है, वो बड़े शर्म की बात है। वही उसी रिजल्ट को हम लोग 80-90 तक भी लेके आ सकते थे। और दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी, जो आजकल जिनकी चर्चाएं ज्यादा रहती है, जैसा कि अनुपम जी ने बताया है कि वाकई बहुत बड़े एजेंट हैं, और दूसरी बात है कि वो तो इस तरह के एप्स भी लेकर आ जाते हैं कि बारिश कहाँ पे कम करनी है, कहाँ पे ज्यादा करनी है। तो आप उनकी, पहले तो उनकी एजुकेशन देखिए आप, कि उनकी एजुकेशन कितनी है और उनका स्तर क्या है। आप ऐसे लोगों को मिनिस्ट्री में लेकर के आ रहे हैं, मतलब जिनको कोई एजेंडा नहीं पता है, जिनको कोई टेक्निकल जो भी हमारे फॉल्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऊपर से लेके नीचे तक जो है अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है भाजपा पार्टी ने। इसीलिए इस तरह के रीजंस हुए हैं कि आज हमारे बच्चे जो फेलियर्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉइंट में ये भी कहूंगी कि जब आप इंग्लिश हिंदी लेकर आ रहे थे, इंग्लिश हिंदी मीडियम लेकर आ रहे हैं, भाई राजेश चमोली जी ने बहुत सही बात बोली है, छोटे स्तर में देखिए अंग्रेजी का माध्यम नहीं रहता है सरकारी स्कूलों में 6 तक, उसके बाद कहीं ना कहीं इंग्लिश की बुक लगती है, ABC से स्टार्ट होता है। आज हमारे बच्चे जो है वो बुक पकड़ते ही अंग्रेजी माध्यम से हैं, तो उनको वो फर्स्ट या सेकंड क्लास में इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा एक बच्चों के साथ खिलवाड़ है,
मैंने खुद प्रत्यक्ष देखा, मेरे घर में एक बिटिया रहती है, उसको जब वो मेरे घर पे आई थी उसको हिंदी माध्यम, हिंदी में नहीं लिखना आता था। अब देखिए, आप हमारे उत्तराखंड में स्कूल सिर्फ नाम रखने से नहीं होता है कि आपने अटल उत्कृष्ट रख दिया, आपने भाजपा को बढ़ावा देने का काम किया है, आपने रियल एजुकेशन कहाँ पे दी है बच्चों को? कहीं ना कहीं हमारे पूरे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहीं ना कहीं आप अगर टीचर्स को देखते हैं, आप टीचर्स भी कहीं ना कहीं, देखिए मैं किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रही हूं, लेकिन सच जरूर कहूंगी कि कहीं ना कहीं टीचर्स की भी नाकामियां हैं कि आधे दिन आप स्कूल में रहते हैं, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, आपका इतना बड़ा सेटअप है कि आप बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद टीचर भी नहीं समझते हैं। सोनिया जी, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। कमलेश जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश, विंग्लिश का अभाव, रिजल्ट पर प्रभाव। जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है। अटल उत्कृष्ट विद्यालय के जिस तरीके से वहाँ पर पढ़ाई हो रही है या शिक्षकों की कमी है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या समस्या रही जिनकी वजह से बच्चों का रिजल्ट ऐसा आया है, और हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं। और कमलेश उनियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, बहुत सारे यहाँ पर आपने रिएक्शन सुने, सुझाव भी दिए गए, कैसे देख रहे हैं आप जो रिजल्ट आया है और जिस तरीके से बच्चे फेल हुए हैं बहुत ज्यादा संख्या में, इसको कैसे देख रहे हैं? कमलेश जी मुझे लगता है अभी हमारे साथ नहीं है। मैं यहाँ पर एक चीज़ साझा करना चाहूँगी अनुपम जी, कि जब मैं छोटी थी और मुझे स्कूल में डाला गया था, तो मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे बचपन से लेके फिफ्थ तक मैंने हिंदी मीडियम पढ़ाई की, उसके बाद मुझे इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र किया गया, जिसकी वजह से मुझे इंग्लिश, जब मैं सिक्स में पहुंची तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। टीचर्स ने सपोर्ट किया, अच्छे टीचर्स थे, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स थे, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने बहुत, और उसके बाद भी मैं अगर अपने रिजल्ट की बात करूं तो मैं ग्रेस मार्क्स के साथ पास हुई थी, और मुझे कहने में कोई ग्रेस नहीं है। तो ये डिफरेंस मैं जब सोच रही हूँ मेरे साथ हो सकता है, तो जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उन बच्चों का क्या हाल होता होगा अगर उनको शिक्षक ढंग के नहीं मिल रहे हैं, तो वो कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे? क्योंकि मैंने मेहनत की, मेरे साथ मेरे शिक्षकों ने मेहनत की, उसके बाद भी मैं ग्रेस मार्क्स के साथ पास हो रही हूँ, तो वो बच्चे जहाँ पर तो शिक्षक आ ही नहीं रहे हैं, पहुंच ही नहीं रहे हैं, उन बच्चों का क्या हाल होगा, ये समझने की बहुत जरूरत है। राजेश जी, एक गैप हो जाता है एजुकेशन में। इंग्लिश मीडियम का जो पैटर्न है टोटली डिफरेंट है, और हिंदी मीडियम का जो पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट है। बच्चों को, जैसे आपने भी कहा कि हमने सिक्स से इंग्लिश पढ़ी है, और निश्चित रूप से उसको कवर करने के लिए जो बच्चा प्ले से अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश के वर्ड वोकैबुलरी एक टू जेड अगर सीख रहा है, तो निश्चित रूप से उसका सिस्टम डेवलप हो जाता है। और मुझे लगता है जैसे अभी सोनी जी ने भी कहा कि फर्स्ट सेकंड का बच्चा अगर कॉन्वेंट या किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी इंग्लिश वोकैबुलरी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। पहाड़ में जो हमारे बच्चे हैं, निश्चित रूप से टीचरों की कमी है, मैंने पहले बताया टीचरों की कमी है, शिक्षा का पैटर्न जो है बहुत ही मतलब डाउन है, इसलिए क्योंकि कमियां, क्योंकि एक प्लानिंग के तरीके से हमने कोई भी काम नहीं किया। और जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि सरकार का जो बार बार, इसलिए हम कह रहे हैं सरकार, क्योंकि तानाशाही रवैया, आप देखिए आपने अनप्लान तरीके से पहले पैटर्न लागू किया, रिजल्ट खराब आने पर आपने एक चिट्ठी जारी की कि अटल स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं उनकी छुट्टियां रद्द की जाती हैं। दूसरा, जब इस पे शिक्षकों ने आवाज उठाई तो आपने दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया कि शिक्षक नेताओं पे और शिक्षक अधिकारी कोई भी होंगे वो सरकार के खिलाफ कहीं बयानबाजी नहीं करेंगे। इसका मतलब जहां आपके खिलाफ, क्योंकि क्योंकि प्लानिंग तो आपकी थी, आपने अनप्लान तरीके से अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाए 186, और उनका अनप्लान तरीके से आपने CBSE पैटर्न लागू किया, और जब रिजल्ट खराब आया तो आपने शिक्षकों की टीचर मतलब छुट्टियां भी कैंसिल कर दी, उनपे दबाव बनाना शुरू किया। जैसे ही मैं सोशल मीडिया पर देखा था कई शिक्षकों ने सरकार से सवाल करने शुरू किए, तो उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर दी निदेशालय से कि अगर सरकार के खिलाफ कोई भी बयानबाजी की जाएगी तो उनपे कार्रवाई की जाएगी। तो इसका मतलब तानाशाही रवैया है, मतलब जो हम कहें वो ठीक है, वो हम जो थोपेंगे वो ठीक है, और हमारे खिलाफ कोई अगर आवाज उठाएगा तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। तो ये जो तरीका है गवर्नमेंट का, मुझे लगता है हर प्रकार से नकारा और निकम्मा तरीका है। आप मैंने बता दिया, आप अगर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अगर उत्तराखंड में एक शिक्षा नीति के तहत अच्छे तरीके से अगर आप पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हर जिले में या हर ब्लॉक में एक अगर उत्कृष्ट विद्यालय डेवलप करते, और उसमें प्रॉपर तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश
टीचर चाहिए थे, साइंस पढ़ाने के लिए अच्छे। आप विश्वास करेंगे यशवी जी, पूरे उत्तराखंड में अभी भी कम से कम मतलब 12 से 15 हजार शिक्षकों की कमी है। मैं अपने अपने गांव की अगर बताऊं, वहां पे कम से कम 28 का स्टाफ चाहिए, लेकिन 7 से 8 टीचर, क्योंकि 750 बच्चे। बिल्कुल अनुपम जी, ये जो कमी यहाँ पर देखिए राजेश जी बता रहे हैं, बहुत बहुत सीवियर प्रॉब्लम है ये, और मुझे लगता है ये हर राज्य में इस बात का तो कम से कम ध्यान देना ही चाहिए कि शिक्षकों की तैनाती तो कम से कम बेहतर हो। शिक्षक और डॉक्टर्स, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, और मुझे लगता है कि ये दोनों ही में सिस्टम में ही प्रॉब्लम है उत्तराखंड में, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो। समय समय पर हमें इस पर चर्चा करनी पड़ती है, डिबेट करनी पड़ती है। कमलेश जी हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, वरना मुझे उनसे कई सवाल पूछने थे कि आखिर ये जो बच्चे फेल हुए हैं उसके बाद इस पर क्या मंथन चल रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है, अगर आपने इस तरीके से किया था तो उसके बाद अब इस पर आगे क्या एक्शन होगा, क्या शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, क्या करना है। लेकिन सोल्यूशन मुझे लगता है अभी फिलहाल कमलेश जी नहीं है तो नहीं मिलेगा आगे, बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अनुपम जी, कोई ऐप ना लेके आ रहे हो ना, कुछ एजुकेशन ऐप भी लेके आ सकते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी। यहाँ फिलहाल मंथन, अभी मंथन नहीं, यहाँ भागा दौड़ी चल रही है। नया अपडेट ये है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तैयारियां चल रही हैं। पूरे उत्तराखंड के भाजपाइयों में अति उत्साह है, अति जोश है, और इस जोश उत्साह में ना बच्चों का भविष्य याद रहने वाला है, ना ये याद रखना चाहते है। देखिये, उत्कृष्ट शिक्षा तब मिल सकती है जब शिक्षक उत्कृष्ट हो, पहली बात। अब शिक्षकों के यहाँ हाल मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगा तो देखिएगा, क्लासरूम लगे हुए हैं, नीचे क्लास चल रही है और गुरुजी महोदय नशे में धुत तो बिस्तर पे सो रहे हैं। यहाँ ये हाल है कि सरकारी नौकरी तो एक्स कर रहा है, लेकिन उसकी जगह पे कोई वाई जा रहा है अटेंड करने, वो तनख्वाह ले रहा है 1 लाख। मुझे तो लगता है सरकारी नौकरी लोग करना ही इसीलिए जाते हैं ताकि वो आराम कर सके, और सरकारी नौकरी का ये जो तबका है ना, मुझे लगता है ये हर सरकारी विभाग में ही आप सुनेंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति ना बड़ा मेहनती होता है, क्योंकि उसको बहुत मेहनत से पैसा मिलता है, मेहनती बनाया जाता है उसे। आशीष जी देखिए, चाहे नौकरी सरकारी हो चाहे प्राइवेट, अगर आज मैं भी अपना ऑफिस खोलूंगा और अपना ध्यान नहीं दूंगा मैनेजमेंट पे सही से, एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं रखूंगा, तो मेरे यहाँ भी हराम को प्राइवेट कर्मचारी हो जाएंगे। व्यक्ति को, हर व्यक्ति को आप अगर साइकोलॉजी पढ़ेंगी तो आलस्य उसको सबसे पहले पकड़ता है, पर व्यक्ति को अपने आप को कर्मठ बनाना पड़ता है। मुझे अगर आज 5 बजे उठना है तो मुझे अपने आप को उठाना पड़ेगा, नहीं तो नींद सबको प्यारी है। तो सरकारी को जो हम दोष देते हैं ना कि सरकारी मशीनरी खराब है, मशीनरी क्या होती है सरकारी मशीनरी, हम जैसे लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं वो मशीनरी है, हम जैसे लोग जो प्रतिनिधि बने हुए हैं वो मशीनरी है। अब अगर इनके विचार सही नहीं है, इनके लक्ष्य सही नहीं है, इनकी नीयत सही नहीं है, तो रिजल्ट्स किसी भी हालत में सही नहीं आएंगे। एक व्यक्ति जो 13 का पहाड़ा नहीं जानता है उसको शिक्षा मंत्री बना रखा है, उसने एनसीईआरटी सिलेबस यहाँ पे सीना ठोक के लागू किया, छपवा दिया अपने रिश्तेदार से, पब्लिकेशन हाउस उसके रिश्तेदार का था, करोड़ों रुपए अंदर, क्यों रमेश भाई चमोली जी यही हुआ था। अभी धन सिंह जी बैठे हुए हैं, इनकी शिक्षा लेवल को चेक कीजिए। जब शिक्षा मंत्री ही खुद उस शिक्षा के योग्य नहीं है जो प्रदेश में चल रही है, तो वो उस लेवल को समझेगा कैसे? जब वो ही उस लेवल को नहीं समझ पाएगा तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे आईएएस को हैंडल करेगा कैसे? एक बहुत पुरानी कहावत है, जो आईएएस है वो अरबी घोड़ा होता है, घोड़ा अपने सवार को तुरंत पहचान लेता है कि मेरी पीठ पे बैठने की इसकी औ है भी कि नहीं है, इसकी हैसियत है भी कि नहीं है। तो जब ऐसे आईएएस के सामने ऐसे अनपढ़ मंत्री पहुंचते हैं तो वो आईएएस इनके मजे लेते हैं, वो इन्हें घुमाते हैं गोल गोल और काम कुछ नहीं होता, इन्हें पता ही नहीं होता काम करवाना कैसे, बस मंत्रिमंडल की चाह है, हाथ पैर जोड़ के चापलूसी करके सेटिंग करके दिल्ली भाग के ले आए। अब देखिए प्रेमचंद अग्रवाल का मामला कितना गंभीर मामला है कि एक मंत्री खुलेआम मारपिटाई कर रहा है, संविधान के अनुच्छेद 1921 का वो खुदा उल्लंघन कर रहा है, पर अभी भी मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है। तो इन सबसे हमें सरकार की अप्रोच का पता चलता है कि जो मुख्यमंत्री धाकड़ धामी के नाम से यहाँ बैठ के सत्ता चला रहे हैं, उनकी धाकड़ की पॉजिटिवनेस क्या है, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही क्या है। आज अगर यहाँ पे आज शिक्षा का स्तर इतने नीचे अचानक से गिर गया, कोई इस पे जवाबदारी नहीं है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों पर टार के दूसरों पर दोष लगाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि ये काबिल नहीं है, ये ना राज्य चलाने के काबिल है, ना ये विभागों को चलाने के काबिल है।
और ऐसे नाकाबिल लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कुर्सी से बाहर कर देना चाहिए, बिल्कुल सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए जो सिस्टम था हमारे उत्तराखंड का, यहाँ एक चुगान सिस्टम था, जब खनन होता था तो चुगान की तरह होता था, वहाँ स्थानीय लोग अपने आसपास की नदियों से चुगाते थे, छोटे छोटे स्टॉक करते थे, सस्ते में बेचते थे, घर चलाते थे, फिर वो परंपरा बदल के क्रेशर्स में चली गई। आज यहाँ खनन नीति बिल्कुल डूब गई। यहाँ पे हर चीज हर काम जिस योजना से हो रहा है वो योजना पूरी तरह से सरकार की जो बनाई जाती है वो उनके पक्ष के लिए होती है और जनता के विरोध में जाके सेट होती है, उससे जनता का कोई फायदा नहीं होता। बाकी उन चीजों को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी धर्म की चरस बो दी है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान फैला दिया है इन्होंने कि हिंदुओं को इन्होंने ही डरा दिया कि तुम मर जाओगे अगर हम नहीं हुए तो, ये डर बैठ गया हिंदुओं में कहीं ना कहीं। मुझे तो समझ भी नहीं आता, जब औरंगजेब जैसे हमें नहीं मार पाए, इतने 14-15 साल हम इधर उधर कितनों के गुलाम रहे, इतिहास उठा के देखो, फिर भी हम हैं भाई, हमें अपने बच्चों को खुद संस्कार देने हैं, पड़ोसी कहाँ संस्कार देगा। ठीक है अनुपम जी, वापस आती हूँ मैं आपके पास, कंटिन्यू कर लीजिए, अच्छा अपनी बात को पूरा कर लीजिए। नहीं मेरा तो देखिए सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपना कैबिनेट बनाए हुए है, सबसे पहली बात तो ये कैबिनेट ही गलत है, इसे भंग कर देना। कमलेश जी के पास शायद कोई जवाब ही नहीं था, इसीलिए वो वापस ही नहीं आ रहे कि हम उनसे सवाल पूछ सके। बिल्कुल, या शायद वो जवाब देने की अहमियत नहीं समझते कि कोई जवाब, क्योंकि मैंडेटरी बहुत मिल गई है ना, बहुत बड़ा बहुमत मिल गया, अब इतना बड़ा बहुमत जवाब में गर्मी बढ़ा, जवाब देना तो चाह रहे थे लेकिन इतने सारे सवालों का जवाब शायद उनके पास भी नहीं है। हेमा भंडारी जी। हाँ यशी जी, आप वैसे तो सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी कि जवाब किससे लें, यहाँ से तो वो भाग गए थोड़ी थोड़ी देर में, उन्होंने सुना सबकी सुनी, और सुनते ही क्योंकि इनका जब पोल खुलती है ना तो इनके पास कुछ जवाब नहीं होता, तो ये उन डिवर्डों में बहुत देर से, मैंने बहुत बार नोटिस किया है, या तो देर से आएंगे या बीच में से गायब हो जाएंगे, ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, ये यही तो इनकी नियति दिखती है कि इनकी नियति है ही नहीं कुछ, मतलब बच्चे देश का भविष्य होते हैं और बच्चों का एक साल बर्बाद कर दिया, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको ये गंभीर मुद्दा। हेमा जी अभी मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि उनका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। वो नेटवर्क प्रॉब्लम करेगा ही ना मैम, क्योंकि मुद्दा इतना बच्चों का है और इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई है उनसे, इतने बड़े एक्सपेरिमेंट उनका फेल हो गया, कौवा वो कहते हैं ना बगुला चले हंस की, कौवा चले हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया, वो तो अच्छी शिक्षा नीति लाए थे, सोच रहे थे दिल्ली की तरह स्कूल को करेंगे, लेकिन क्या है कि ना नकल में भी अकल चाहिए, तो उस अकल का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया, और इनका जो शिक्षा विभाग है वो तो पूरी तरह से बच्चों के प्रति जो है बिल्कुल भी समर्पित नहीं है। शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी कमी है, इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई डेडिकेशन नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि शिक्षक पहाड़ों की, देखो मैं पहाड़ों से बिलोंग करती हूँ मैम, टिहरी गढ़वाल से, और वहाँ पर जो मैंने देखा है ना, वहाँ पर शिक्षक नहीं होते स्कूलों में, उन्हें खिलाने पिलाने, भाई वहाँ पर सिर्फ बच्चे खाने पीने जाते हैं कि उनको बांट दिया ये राशन आ गया, ये बांट दिया वो खा लो, बाकी अपने घरों का काम करा लो, अपने काम करा लो, ये बाजार से ये लेके आना, या वहाँ पर जाके स्वेटर बुन लो, कौन देखेगा इनको, उनको तो सरकारी तनख्वाह मिल रही है ना, उनके ऊपर कौन निगरानी रखेगा, अगर कुछ कहा जाता है कुछ पूछा जाता है तो हाँ तुम ही पढ़ा लो, क्योंकि उनके ऊपर वो किसी का वो ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है, तो इस तरह से कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे, कैसे हमारे बच्चों का भविष्य बन पाएगा अगर इस तरह की सरकार में रहेंगे, और कैसे हम सोच सकते हैं कि अब आने वाले समय में जो है, अब आने वाला जो भविष्य है हमारे उत्तराखंड के बच्चों का कैसा भविष्य होगा। कारण यही है पलायन का, कि पलायन करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं तो खुद खुद के लिए भी कहूँगी करना पड़ रहा है पलायन ना, वहाँ पर कुछ है ही नहीं, वहाँ पर स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, बच्चों को तो पढ़ाना ज़रूरी है ना, इलाज भी बहुत ज़रूरी है, तो ढंग का ये लोग कर नहीं सकते हैं, और सिर्फ इनको, और इनको क्या है कि जब भी चुनाव आएंगे तो काम पे तो बात करेंगे नहीं, फिर ये कोई ना कोई एक नया मुद्दा ले आएंगे, धर्म का मुद्दा, जिसमें ये पूरे के पूरी अपना वो कर देते हैं, फोकस कर देते हैं धर्म के मुद्दे को लाके, इनको पता है कि हाँ हमारे जो हमारे देश के जो लोग हैं बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत विश्वास करते, उस विश्वास का ये फायदा उठाते हैं, उस विश्वास का फायदा उठाते हैं कि हिंदू खतरे में है, पूरा देश खतरे में है, हिंदू वो ये हो जाएगा, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं होता है, इनके पास इन गंभीर मुद्दा गंभीर विषय पर बात करने के लिए कुछ नहीं होता है,
अब ये चुनाव की अगली तैयारी कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री जी के आने की तैयारी कर रहे होंगे, सारे के सारे लोगों को कुछ ना कुछ काम तो मिला होगा ना, यशी जी कैसे डिबेट में बैठेंगे वो, सभी लोग अपने कामों में लग रहे होंगे। चलिए हेमा जी, वापस आती हूँ। सोनिया जी, देखिए मुझे उन बच्चों की चिंता ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे वही पढ़ते हैं जो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाते हैं, और उसके बाद उनके पेरेंट्स उनको गवर्नमेंट स्कूल डालते हैं, और उसके बाद इस तरीके का रिजल्ट आना, एक साल ख़राब होना, मुझे लगता है वो पेरेंट्स भी, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक साल ख़राब होने का मतलब क्या होता है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे में इस तरीके की शिक्षा नीति लागू करना और उसके बाद उसको अनप्लान्ड तरीके से उसको लागू कर देना, मुझे लगता है सरकार को इस पर, इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो और अभी भी वक्त है, अगर सरकार शिक्षकों की संख्या को बढ़ाए, ध्यान दे, ना सिर्फ शिक्षकों को बढ़ा के बैठा दे, क्योंकि वहाँ पर जो शिक्षक हैं वो भी ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो जो हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि जो और लोगों को लेकर आए उस पर मॉनिटरिंग करें, और धन सिंह रावत जी अगर कलेक्शन करते हैं तो उनको कलेक्शन छोड़ के ज़रा इस पर भी काम कर लेना चाहिए। हमारे उत्तराखंड में एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, एजुकेटेड लोगों की कोई कमी नहीं है। मैं मानती हूँ कि आज जो है यहाँ पर जो हम कह रहे हैं, आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो क्यों ना सरकार, देखिए मैं तो सीधा तरीका ही ढूंढूंगी कि हम इसको सुधारे कैसे। आज आपको एडॉप बेसिस पे भी आप टीचर्स, एक से टीचर्स आपको मिलते हैं, और 20-25-30 हज़ार की सैलरी सरकार को देकर के इन स्कूलों को डेवलप करना चाहिए। फिर मैं इसी बात पे आऊंगी कि हमें बेसिक शिक्षा को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। जब तक हम लोग जड़ नहीं उसकी पकड़ेंगे तो हम पेड़ की इच्छा कहां से करेंगे, हम ये कैसे मानेंगे कि इसका पेड़ बहुत सुंदर बनेगा। फिर एक बात कहना चाहूंगी कि बीजेपी की बात अगर मैं करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ही खुद कहते हैं कि मैंने तो 40 साल तक भिक्षा मांग के खाया है, मैं तो अनपढ़ प्रधानमंत्री हूं, मैं तो अनपढ़ इंसान हूं। तो आप ये सोचिए, जब ऊपर से ही जो इनके राजा हैं, जो खुद ही ये बताते हैं लोगों को कि मैं तो अनपढ़ प्रधानमंत्री हूँ भाई, मैंने 40 साल तक भिक्षा मांगी है, तो नीचे का लेवल कैसे ठीक होगा, आप कैसे ठीक करेंगे। देखिए बहुत सारी चीजें हैं कहने को मैं ये भी कहना चाहूंगी, सुनिए देखिए, एज अ सोशल एक्टिविस्ट आपने किस तरीके से इस शिक्षा के का जो भी मसला है इसको कैसे उठाया है या अभी तक नहीं उठाया है, तो कैसे आप इसको सरकार तक देखिए पहुंचाना, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है एज अ सोशल एक्टिविस्ट। I have lots of experience for education because I am social activist. So how to manage all the things? मैंने जिंदगी में सीखा है कि जब मैं बस्तियों में जाती थी, I will send you a videos. मैंने जब बस्तियों में जाकर के देखा, वो बच्चे सिर्फ खाना खाने के लिए जाते हैं स्कूल में, उनको कोई देखने वाला नहीं है वहां पर कि वो बच्चे पढ़ते कितना है। आखिर ये जिम्मेदारी कौन लेगा? आज स्कूल में अच्छे टीचर्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो धन सिंह जी को नहीं नजर आ रहा। धन सिंह जी सिर्फ पार्टी के वजूद को अपना वजूद बड़ा करने में लगे हैं, उनको हमारे भविष्य से कोई मतलब नहीं है, उनको भविष्य से। अनुपम जी, आजकल मैंने आपको कहा ना, हमारे पास एडॉप बेसिस पे बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, आप ढूंढिए तो सही, कौन नहीं नौकरी करना चाहता, कौन 18-18 लाख रुपए नहीं देंगे मैडम, आपको पता नहीं, तो वही नौकरी के लिए 18 लाख नहीं देंगे, तो उसके लिए हम विरोध क्यों नहीं करें। देखिए आज मैं फिर तारीफ करूंगी, आज आम आदमी पार्टी ने जो भी स्कूलिंग जिनको जेल पहुंचाया गया है बीजेपी के द्वारा, आप ये देखिए 94% रिजल्ट आया है दिल्ली में। क्यों आया है? बिकॉज मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती है। आपने एजुकेशन फील्ड को आगे किया है, मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट की बात कहने में मुझे जरा भी गुरेज नहीं है कि सबसे मस्ट हमारी एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, ये दोनों चीजें फेलियर है उत्तराखंड में। ये बिल्कुल खुले तौर पर सारी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जो है हिंदू मुसलमान कर करके लोगों को इतना भ्रमित कर दिया है कि आज बीजेपी खुद ही लड़वाना चाहती है। मुझे तो जो अच्छा काम करते हैं सोनिया जी ना, तो ईडी सीबीआई के द्वारा उन्हें अंदर कर दिया जाता है ना। अब रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने एम्स, IIT, IIM, BHEL, आखिर क्या चीज, आप ये बताइए, बीजेपी तो सिर्फ बुलाने का काम कर रही है, बीजेपी तो सिर्फ स्टैंप लगाती है, हमने ये कर दिया। सोनिया जी देखिए, उम्मीद करते हैं, क्योंकि कमलेश जी तो है नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी डिबेट को जरा वो घर पर सुने बैठे और समझे कि उनको क्या एक्शन लेना है या क्या काम करना है। राजेश जी, एज अ विपक्ष मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इस मुद्दे को लेकर कितनी बार आवाज उठाई, क्योंकि देखिए विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी होता है ऐसे मुद्दों के लिए, और अगर विपक्ष ही एक्टिव नहीं होगा तो सरकार को क्या है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैडम ये सिर्फ डिबेट नहीं है, ये एज ए सोशल एक्टिविस्ट मेरे मन का बहुत बड़ा एक ख्याल है कि हम लोगों को अगर कभी मौका मिलेगा तो हम बताएंगे एजुकेशन पे कैसे काम किया जाता है। बिल्कुल, सुनिए जी क्या ऐप बनाते फिर रहे हैं। राजेश जी को सुन लेते हैं। राजेश जी,
यशी जी निश्चित देखिए, हम उत्तराखंड में जितने भी जो मैं कहूँगा कि कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तराखंड में इन 6 सालों में किए गए हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे तमाम मुद्दे, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड रहा हो, चाहे भ्रष्टाचार। अंकिता भंडारी हत्याकांड देखिए एक बड़ा ऐसा मुद्दा है ना जिसपे आपकी राजनीति भी बहुत हाईलाइट हो रही है, लेकिन मुझे लगता है ये जो इस तरीके के मुद्दे हैं इन पर भी विपक्ष को काम कर लेना चाहिए कभी कभी। राजेश जी बताइए मुझे, ये बच्चे फेल हुए कितना आप सड़कों पर नजर आ रहे हैं, कितना आप शिक्षा को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बताइए। तो सिर्फ डिबेट में आके कह देने से ही तो बात नहीं बनती ना सर। राजेश जी आप भी तो 10-10 साल आप तो उन्होंने राज किया है, सवाल अगर बीजेपी से पूछे जा रहे थे कि बीजेपी सत्तासीन है उनसे तो हम सवाल पूछ ही रहे हैं, लेकिन आप भी तो सत्ता में रहे हैं सर, आपका क्या, आपने क्या शिक्षा पे काम किया है उत्तराखंड में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपने काम नहीं किया है, बीजेपी काम नहीं कर रही है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस तरीके से शिक्षा पर काम पहले भी नहीं हुआ और अभी भी नहीं हो रहा है मैडम, कांग्रेस के टाइम पर 2017 से पहले का चाहे चाहे कांग्रेस की सरकार बैठी हो चाहे बीजेपी की, आज वर्तमान शिक्षा से और चिकित्सा से 2017 से मैं क्यों देखूं, क्या 2017 के पहले उत्तराखंड का अस्तित्व नहीं था क्या, 2017 के बाद ही अस्तित्व में आया उत्तराखंड। पहाड़ों की हालत लगातार कांग्रेस ने 10 साल विरोधी तो दोनों के शासन में कांग्रेस भी और कांग्रेस ने वो चीज तमाम चीजें स्थापित करने का काम किया। विजय बहुगुणा जैसा जैसा राजेश जी अगर आप उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपकी भी तरफ है, और आपको ये समझना होगा कि चलिए ठीक है, आपको पता है कि अब तो आपने जो सत्ता में पहले रहकर जो किया सो किया है, लेकिन मुझे लगता है एज अ विपक्ष भी आपको बहुत काम करने की जरूरत है। खैर हमारे पास वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से रिजल्ट आया है अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का कि बहुत आधे से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा नीति लागू की गई, उसके बाद CBSE बोर्ड किया गया, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का जो यहाँ पर मसला नजर आ रहा है उस पर लगातार विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की और उस नीति को लागू किया। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरीके से काम करती है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।